हेलो बच्चों, आज हम सुनते हैं ईमानदार लकड़हारे की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक नदी के किनारे एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भुवन। भुवन रोज नदी के किनारे लकड़ियां काटता और अपना गुजारा करता। भुवन बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह अपने काम को बड़ी लगन एवं मेहनत से करता था। भुवन सबको एक ही सीख देता था, जो करेगा मेहनत वो बनेगा सफल इंसान, जो करेगा आलस वो बनेगा स्वार्थी बेईमान। भुवन का एक ही मित्र था सोनू, जो कि बड़ा आलसी, कामचोर और झूठा व्यक्ति था। भुवन जब भी उसे मिलता तो वो भुवन की मेहनती इंसान होने का मजाक उड़ाता और चलाकी से लोगों को ठगने के लिए तरकीबें बताता। चलाकी से काम करते हैं मुझ जैसे झूठे समझदार, सारी उम्र बस पसीना बहाते हैं, मेहनती और ईमानदार। भुवन उसे बहुत समझाता, परंतु सोनू उसकी बातें ना सुनकर अपने मन की करता। भुवन रोज सुबह शाम मेहनत करता और सोनू सारा दिन आलस में लेटा रहता। एक बार भुवन नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक टहनी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जाकर नदी में गिर गई। भुवन की कमाई का एक ही साधन था, वह कुल्हाड़ी, और वह भी पानी में गिर चुकी थी। भुवन बहुत निराश हुआ और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं काम कर सकता था, वो भी पानी में गिर गई, अब मैं काम कैसे करूंगा। भुवन को रोता देख नदी में से जल के देवता नीर प्रकट होते हैं। नीर देवता भुवन को रोते हुए देख उससे पूछते हैं, हाँ बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं काम कैसे करूंगा, क्या आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे ढूंढ के वापस कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाया। नीर देवता नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नीर देवता, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। नीर देवता फिर से पानी के अंदर जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नीर देवता, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक लकड़ी की कुल्हाड़ी निकाल कर लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। भुवन अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। जी नीर देवता, यही है मेरी कुल्हाड़ी। नीर देवता भुवन की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भुवन, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। भुवन वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी घर जाता है। भुवन की ईमानदारी का किस्सा पूरे गांव में फैल जाता है और लोग भुवन की बड़ी तारीफ करते हैं। वहीं से सोनू सब सुनकर एक तरकीब लगाता है। अगले ही दिन सोनू भी अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे लकड़ियां काटने चला जाता है और जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और नदी के किनारे बैठ के टूट मूट कर रोना शुरू कर देता है। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। सोनू को रोता सुन नीर देवता फिर से प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अरे बेटा रो नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाता हूँ। नीर देवता पानी में से सोनू की लकड़ी की कुल्हाड़ी ढूंढ लाते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता फिर से पानी में जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी।
सोनू सोनी की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। हाँ नीर देवता, यही है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। नीर देवता को सोनू के झूठ बोलने और बेईमानी करने पर बहुत गुस्सा आता है। झूठ? तुम एक बेईमान व्यक्ति हो, इसीलिए हम तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुम्हारी लकड़ी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस नहीं देंगे। सोनू ये सुनकर बहुत निराश होता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी, अब से मैं कभी भी जिंदगी में झूठ और बेईमानी नहीं करूंगा। मेहनत करके एक सफल इंसान बनूंगा। और इसके बाद सोनू भी भुवन की तरह एक मेहनती और सच्चा इंसान बन जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे जो चलता है वही मेहनती आदमी एक दिन सफल व्यक्ति बनता है।